परम पिता परमात्मा, ये जो भी गीतों में महिमा आती है ये उसी एक की है। एक का मतलब जो एक है, मनुष्य आत्माएं बहुत है और परम आत्मा परम पिता एक है, इसलिए ये महिमा है एक और उसी की महिमा। एक की जो है वो कोई मनुष्य को नहीं दी जा सकती है, क्योंकि मनुष्य की महिमा अलग, कंप्लीट मनुष्य की, कंप्लीट मनुष्य की महिमा अलग और परमात्मा की महिमा अलग। कंप्लीट मनुष्य को क्या कहेंगे, सर्व गुण संपन्न, सोला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार, मर्यादा पुरुषोत्तम आदि आदि, ये सभी महिमा किसको देंगे, मनुष्य को। परमात्मा को सर्व गुण संपन्न नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कभी अवगुण में नहीं आता है, इसीलिए जो अवगुण में आता है उसको सर्वगुण की महिमा दी जा सकती है। जब सर्वगुण है वो तो सर्वगुण और अवगुण से दोनों से अलग है परमात्मा, उसके फिर अपने गुण है, उसको फिर क्या कहेंगे, परमात्मा की महिमा क्या है उनकी, फिर पतित को पावन करने वाला उसको कहते हैं ओशन ऑफ नॉलेज। हाँ देखो, ये महिमा है नहीं परमात्मा, ये मनुष्य को नहीं कह सकते हैं, ये ओशन ऑफ नॉलेज या नॉलेज फुल, ये महिमा परमात्मा की है, मनुष्य को नहीं दी जा सकती है। तो उनका देखो महिमा अलग है ना परमात्मा की, उसको कहेंगे ओशन ऑफ नॉलेज, सबका सागर, हाँ शांति का सागर, सुख का सागर, उसकी महिमा ऐसी है, शांति दाता, सुख दाता, दुख हरता, सुख करता, ये महिमा है परमात्मा की। तो महिमा के गुण परमात्मा के गुण और हो गए ना उनके, अरे ये मनुष्य को नहीं कह सकते हैं, दुख हरता सुख करता ये मनुष्य को नहीं कहेंगे, फिर मनुष्य के तो दुख हरने वाला है ना और फिर उनको सुखी बनाने वाला परमात्मा है, मनुष्य दुख और सुख में आने वाला है, तो जो आने वाला है वो मनुष्य कैसे दुख हरता होगा, इसीलिए मनुष्य की महिमा अलग परमात्मा की महिमा अलग। तो ये समझने की बात है, इसीलिए मनुष्य को और परमात्मा को एक कर देना, जो आत्मा की महिमा वही परमात्मा की महिमा, अथवा आत्मा और परमात्मा एक कर देना, ये रॉन्ग हो जाता है। तो ये सब समझने के, जो कहीं समझते हैं आत्मा को परमात्मा हो जाना है, ज्योति में लीन होकर के या परमात्मा से मिलके परमात्मा हो जाना है, तो ये समझने की बात है कि अगर आत्मा को परमात्मा हो जाना है तो उसकी माना परमात्मा आत्मा से बनता है क्या, ये भी समझने की बात है ना। अगर ऐसे माने कि आत्मा परमात्मा हो जाएगी तो मानो आत्मा भी फिर परमात्मा से बना है, परमात्मा ही आत्मा हुआ है, फिर आत्मा को ही परमात्मा होना है, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा भी होना पड़ेगा ना, एक ही बात है। पर तो ऐसा तो है नहीं कि परमात्मा को ही आत्मा बना है, तो परमात्मा आत्मा नहीं बना है, जो आत्मा को परमात्मा बनना हो, तो ये समझना, ऐसे नहीं आत्मा परमात्मा हो सकती है, परमात्मा आत्मा नहीं हो सकता है, अगर आत्मा परमात्मा हो सकती है तो परमात्मा ही आत्मा बना है, उसका मतलब ये भी समझने की, ये भी बुद्धि और विवेक की बात है ना। तो कहीं समझते हैं कि आत्मा परमात्मा हो सकती है लेकिन परमात्मा आत्मा नहीं हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो फिर आत्मा भी परमात्मा नहीं हो सकती है, तो ये भी मानना चाहिए कि आत्मा भी परमात्मा नहीं हो सकती है। तो ये सभी चीजें समझने के ना, इसीलिए आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती है और न परमात्मा कोई आत्मा हुआ है, आत्मा अलग है और परमात्मा एक ही सुप्रीम सोल, उनका कर्तव्य है और उनकी जो कुछ है अपना गुण वो अलग है, बाकी मनुष्य हाँ अपने स्टेटस में अपने स्टेज में ऊंचे उठते हैं, इसका गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन एज ये सभी स्टेज मनुष्य आत्मा के लिए, परमात्मा सतो रजो तमो तीनों में नहीं आता है, वो तीनों से ऊपर है, वो एक बार सतो क्या कुछ तो कहेंगे ना, अगर एक बार रजो तो नहीं कहेंगे, एक बार तमो तो अच्छी बात का देंगे ना चाहते, यानी एवर गोल्डन एज था उनकी, सदा सतो एवर प्योर
एवरीथिंग ओवर में आएंगे इसके लिए, क्योंकि वो चेंज में नहीं आते हैं। बाकी आत्माएं गोल्डन सिल्वर कॉपर एंड आयरन, ये सब मनुष्य आत्मा के लिए स्टेजेस है। तो जो स्टेजेस में आने वाले हैं तो परमात्मा को उसके साथ मिलाया नहीं जा सकता, न वो उसमें मिल सकती है। उसकी क्वालिफिकेशन अलग और उनकी परमात्मा की क्वालिफिकेशन अलग हो गई नहीं। तो हर एक की बायोग्राफी, हर एक के बात को समझना चाहिए नहीं, तो आत्मा की बायोग्राफी परमात्मा की बायोग्राफी समझनी चाहिए। फिर आत्मा शरीर के साथ जो मनुष्य बनती है उसकी बायोग्राफी फिर समझनी चाहिए, सब में उत्तम मनुष्य कौन थे। भाई उत्तम मनुष्य जिनके शरीर भी पवित्र थे और आत्मा भी पवित्र थी, तो जरूर उसको उत्तम रखेंगे ना। तो वो कौन से मनुष्य थे वर्ल्ड हिस्ट्री में, ऐसे कोई मनुष्य होकर के गए हैं जिनके आत्मा भी पवित्र हो और शरीर भी पवित्र हो, ऐसे कोई मनुष्य है? अभी तो नहीं कहेंगे, हाँ इस टाइम शरीर भी पवित्र और आत्मा, हाँ सन्यासी मिलेंगे भले उनकी आत्मा कुछ पवित्र हो लेकिन फिर शरीर पवित्र नहीं है, क्योंकि शरीर विकारी बीज से पैदा हुआ है, शरीर को रोग होता है, दुख होता है। क्या सन्यासी बीमार नहीं पड़ेंगे? हाँ देखो तो कोई कर्म का हिसाब है ना। तो उससे सिद्ध होता है कि शरीर पवित्र नहीं है, आत्मा भले कुछ थोड़ा उनका पवित्रता का आधार लेने से कुछ उसमें पवित्रता का हो। तो आत्मा पवित्र और शरीर पवित्र ऐसे कोई मनुष्य वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी हुए हैं? आज तो नहीं है परंतु कभी हुए हैं, तो हाँ उनकी हिस्ट्री मिलती है। ये एक देवता है जिन्हों की है जीवन की महिमा कि वो सदा सुखी थे, कैसे हेल्थ वेल्थ उनके पास सब कुछ था, एवर हेल्दी थे, एवर वेल्दी थे। कहते ना भाई वो जमाना था कभी वो गाजी नहीं था, कभी अकाले नहीं मरते थे, कभी ये सब उन्होंने पावर था। तो ये पावर था किन्हों के पास, इन्हों के जीवन से ये कुछ इशारे मिलते हैं कि इन्हों के जमाने में ऐसा सुख शांति का था। कभी तो देखो मंदिरों में पूजे जाते हैं, नहीं तो अगर वो अपवित्र होते तो उनको मंदिरों में क्यों उसके यादगार क्यों रखे हैं? है तो वो भी मनुष्य लेकिन वो मंदिरों में उसकी जड़ चित्र पूजी जाती है, हम क्यों नहीं पूजे जाते हैं, हम क्यों उसको पूजते हैं? तो हम पूजने वाले हो गए, वो पूज्य हो गए, कोई तो डिफरेंस है ना। तो वो डिफरेंस कौन सा था? उनके शरीर भी पवित्र थे, आत्मा भी पवित्र थी, इसीलिए उनकी यादगारें पूजी जाती हैं। लेकिन थे तो चैतन्य ना, प्रैक्टिकल लाइफ वाले थे। तो ये मनुष्य की स्टेटस है कि मनुष्य इतना ऊंचा था। तो अभी बाप कहते हैं कि मनुष्य इतना ऊंचा, और फिर ये देखो मनुष्य की डिग्री अब नीचे चली आई है। तो अभी ये है आत्मा भी अपवित्र, शरीर भी अपवित्र, अभी ये हुआ मनुष्य की नीचे की स्टेज। तो अभी नीचे से फिर ऐसे पतित मनुष्यों को फिर परमात्मा करके फिर आत्मा को पवित्र बनाते हैं, उसके आधार से फिर शरीर भी पवित्र जनरेशन में प्राप्त करते सदा सुख पाते रहेंगे। उसका अभी मानो ये सैपलिंग इसमें लगा रहे, अभी तो शरीर अपवित्र है लेकिन ये आत्मा का सैपलिंग प्यूरिटी का लगा रहे हैं, जिसके आधार से फिर ये जनरेशन चलेंगी। तो ये सभी चीजों को समझना है, जो बैठ करके बाप मनुष्य की बायोग्राफी और परमात्मा अपनी बायोग्राफी समझाते हैं। उसमें फिर हर एक की ब्रह्मा क्या, विष्णु क्या, शंकर क्या, राम कृष्ण आदि सब की बायोग्राफी, ये लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी, ये लक्ष्मी नारायण किसने बनाया, कैसे बने, तो ये सभी बातें बैठ करके बाप समझाते हैं कि ये इनकी सैपलिंग यानी कोई अगले जन्म में इन्होंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए तब तो ऐसा बने ना। उनका अगला जन्म जरूर कोई ऐसा पुरुषार्थ किया है, तो उसका अगला जन्म कहाँ होगा? ये तो सतयुग के किंग एंड क्वीन होकर के गए हैं लक्ष्मी और नारायण, तो इसका अगला जन्म कहाँ होगा? ये भी देखो विवेक से सोचने की बात है। हम जरा क्वेश्चन पूछते हैं अभी, हाँ कि देखो ये सत्य, ये तो हुआ सतयुग का फर्स्ट मैन, हाँ न्यू मैन कहो, हाँ न्यू मैन, हाँ जिसको किंग एंड क्वीन कहें सतयुग का। तो सतयुग तो इन मनुष्यों से शुरू हुआ लेकिन इन्होंने जो कुछ पुरुषार्थ किया होगा वो जरूर इनके पहले किया होगा ना, तो वो कभी किया, वो समय कौन सा होगा? हाँ कलयुग अंत में। तो जरूर कलयुग अंत में इन्होंने ये पुरुषार्थ कर करके अपने कर्मों को उच्च बनाया, फिर जो जन्म लिया तो फिर उन जन्म को उससे सतयुग आरंभ रहा, गोल्डन एजेड वर्ल्ड। तो उन्होंने जरूर पुरुषार्थ कलयुग के अंत में किया ना, तो यही देखो अभी वो कलयुग का अंत है। अभी जो हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं
और परमात्मा हमसे करा रहा है, तो ये मानो अभी सैपलिंग इसी ऐसे मनुष्य बनने की लग रही है। फिर इनके बाद ये दुनिया, इसीलिए परमात्मा कहते जब इनों की दुनिया आने का टाइम होता है तब आकर करके गोल्डन एजेड वर्ल्ड की मैं ये सैपलिंग लगाता हूँ। तो मानो ये अभी ये किंगडम बनने का ये अभी काम हो रहा है। तो इस द्वारा परमात्मा द्वारा ये हेवनली किंगडम कहो या हेवन कहो, वो अभी देखो हेवन तो हेवन ऐसा ही तो नहीं, कोई तो उसमें राजधानी और कोई तो कुछ तो चलेगा नहीं, कुछ तो वर्ल्ड का सिस्टा होगा नहीं, ऐसे तो ऐसे ही बस चल पड़ेंगे नहीं। तो कहते ये किंगडम देवी देवताओं की, उसी से फिर ये हेवन दुनिया जो है वो चलती है। तो ऐसे में मनुष्यों की अभी दुनिया बना रहा, कैसे बनाता हूँ उसका देखो ये अगला जन्म कलयुग के अंत में। तो ये सभी चीजों को समझना है। तो इनों की बायोग्राफी ये परमात्मा बैठ करके समझाते हैं। हाँ, फिर 14 कला पीछे 13 वंश में, हाँ फिर उनको 14 कला, ये 16 कला पीछे, 14 कला पीछे, कलाएं कम पड़ती जाती हैं, फिर तो आप फिर नीचे नीचे, अभी तो कोई कला नहीं रही है, सब कला काया सब निकल गई है नहीं, देखो अब तो मनुष्य की कोई वो बल नहीं रहा है ना। तो ये सभी चीजें दर कर करके बात समझाते हैं। तो ये है लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी। तो हर एक चीज को समझना है, तो बाप दर कर करके सबकी, इसी तरह से भाई क्राइस्ट बुद्ध जो भी आए उनकी भी बायोग्राफी क्या है। ये फिर अपना अपना धर्म स्थापन करने वाले हैं, ये आए हैं तो ऐसे नहीं है कि दुनिया को कोई बैर कर करके नई दुनिया बनाने, वो अपना अपना नया धर्म, जैसे क्राइस्ट आया तो उसने एक नया धर्म स्थापन किया, कौन सा, क्रिश्चियन धर्म। भाई बुद्ध आया तो उसने अपना नया धर्म स्थापन किया, जो बुद्ध धर्म था नहीं उसको बैर कर करके बाद उसका बुद्ध धर्म नाम से चला। तो इसी तरह से वो धर्म स्थापित, तो वो धर्म स्थापित हो गए, और परमात्मा को धर्म स्थापित न कह करके वो तो नई दुनिया स्थापित, तो नई दुनिया स्थापित गॉड को कहेंगे। और दूसरे जो आए मैसेंजर्स पैगंबर जो भी आए, उन्हों का काम क्या रहा, अपना अपना धर्म स्थापन, तो अपना मत अपना धर्म आकर के स्थापन किया, तो उनकी बात अलग हो गई, उन्होंने आकर के नई दुनिया नहीं बनाई, उन्होंने अपना अपना नया नया धर्म बनाया। तो ये सभी चीजें, तो उनकी बायोग्राफी को भी समझना पड़े, उनका काम और परमात्मा काम, परमात्मा सभी धर्म नष्ट कर करके और एक आदि सनातनी देवी देवता धर्म की दुनिया बनाना दाता सबका। हाँ, तो इसीलिए ये बैठ कर करके बाप सारी बायोग्राफी समझाते हैं, और समझा कर करके अब कहते हैं अभी कौन सा टाइम है उसके मुताबिक अभी क्या करना चाहिए। तो ये सभी चीजें समझने की है ना, अभी हमको समय देखना है, टाइम भी देखना है कि इस टाइम अनुसार ये अभी वो टाइम है जिस टाइम को कहा जाता है अभी हमारा बहुत जन्मों का चक्कर ये पूरा होता है, अभी फिर नया चक्कर अथवा नई जनरेशन शुरू होती है, उसके लिए बाप कहते हैं अभी नई जनरेशन के लिए अपने में नया कलम अथवा सैपलिंग लगाओ प्यूरिटी का, इसीलिए प्योर रहना जरूर है, बिना प्यूरिटी के तो प्योर सैपलिंग लगेगा ही नहीं ना। इसलिए बाप कहते हैं अभी ये फिक्र ना करो, कहीं क्वेश्चन उठाते हैं ना कि अच्छा अभी प्योर रहेगा दुनिया कैसे चलेगी, हाँ अगर सब पवित्र रह जाए दुनिया कैसे, तो परमात्मा कहते हैं अभी दुनिया का ये विचार नहीं करो, अभी तो दुनिया हमको घटानी है, हाँ कम करनी है, इसीलिए ये अभी विचार मत करो दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया का मालिक मैं हूँ या तुम हो, हाँ मुझे पता है दुनिया कैसे चलेगी, तो मैं अभी दुनिया का सैपलिंग लगाता हूँ, अभी सैपलिंग लगाने में मदद करो अर्थात प्यूरिटी की हेल्प दियो, तो प्यूरिटी के बल से अभी प्योर दुनिया की जनरेशन चले, बाकी अभी उसकी मदद हो, अभी इसका नहीं है कि ये दुनिया कैसे चले, तो तुम तो जो दुनिया की वृद्धि करते आए हो हाँ वो तो देख लियो ना अभी तंग पर गए हो, हाँ संभाल नहीं सकते, इसीलिए कहते अभी उनका ख्याल नहीं करो, अभी तो मौत है, अभी तो डिस्ट्रक्शन है, इस पुरानी ओल्ड वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन है, इसीलिए अभी जिसका तुम पैदा करेंगे नहीं तो मैं डिस्ट्रक्शन में खत्म कर दूंगा, इसीलिए मुझे अभी उसकी हेल्प नहीं चाहिए, अभी हमको चाहिए प्यूरिटी की हेल्प, तो मुझे अभी मददगार बनो प्यूरिटी में, तो प्यूरिटी का फाउंडेशन मजबूत हो जाए उसी बल से फिर प्यूरिटी की जनरेशन जो चलेंगी वो नेचुरल, जैसे अभी इम्प्यूरिटी नेचुरल है वैसे फिर प्यूरिटी नेचुरल चलेंगी, तो उसे जो संतान और उसे जो वृद्धि रहेगी वो प्यूरिटी के पावर से, जिसको कहा जाता है योग बल, अभी है भोग बल, कंट्रास्ट है ना योग बल का और भोग बल का, वो संतान उस
पावर से थी इस दाता सबका। हाँ, तो इसीलिए ये बैठ कर करके बाप सारी बायोग्राफी समझाते हैं और समझा कर करके अब कहते हैं अभी कौन सा टाइम है उसके मुताबिक अभी क्या करना चाहिए। तो ये सभी चीजें समझने की है ना, अभी हमको समय देखना है, टाइम भी देखना है कि इस टाइम अनुसार ये अभी वो टाइम है जिस टाइम को कहा जाता है अभी हमारा बहुत जन्मों का चक्कर ये पूरा होता है, अभी फिर नया चक्कर अथवा नई जनरेशन शुरू होती है। उसके लिए बाप कहते हैं अभी नई जनरेशन के लिए अपने में नया कलम अथवा सेटलिंग लगाओ प्यूरिटी का, इसीलिए प्योर रहना जरूर है, बिना प्यूरिटी के तो प्योर सेटलिंग लगेगा ही नहीं ना। इसलिए बाप कहते अभी ये फिक्र ना करो, कहीं क्वेश्चन उठाते हैं ना कि अच्छा अभी प्योर रहेगा दुनिया कैसे चलेंगी, हा? अगर सब पवित्र रह जाए दुनिया कैसे, तो परमात्मा कहते हैं अभी दुनिया का ये विचार नहीं करो, अभी तो दुनिया हमको घटानी है, हा? कम करनी है, इसीलिए ये अभी विचार मत करो दुनिया कैसे चलेंगी, दुनिया का मालिक मैं हूँ या तुम हो, हा? मुझे पता है दुनिया कैसे चलेंगी, तो मैं अभी दुनिया का सैपलिंग लगाता हूँ, अभी सैपलिंग लगाने में मदद करो अर्थात प्यूरिटी की हेल्प दियो, तो प्यूरिटी के बल से अभी प्योर दुनिया की जनरेशन चले, बाकी अभी उसकी मदद हो। अभी इसका नहीं है कि ये दुनिया कैसे चले, तो तुम तो जो दुनिया की वृद्धि करते आए हो, हा? वो तो देख लियो ना अभी तंग पर गए हो, हा? संभाल नहीं सकते, इसीलिए कहते अभी उनका ख्याल नहीं करो, अभी तो मौत है, अभी तो डिस्ट्रक्शन है, इस पुरानी ओल्ड वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन है, इसीलिए अभी जिसका तुम पैदा करेंगे नहीं तो मैं डिस्ट्रक्शन में खत्म कर दूंगा, इसीलिए मुझे अभी उसकी हेल्प नहीं चाहिए, अभी हमको चाहिए प्यूरिटी की हेल्प, तो मुझे अभी मददगार बनो प्यूरिटी में, तो प्यूरिटी का फाउंडेशन मजबूत हो जाए उसी बल से फिर प्यूरिटी की जनरेशन जो चलेंगी वो नेचुरल, जैसे अभी इम्प्यूरिटी नेचुरल है वैसे फिर प्यूरिटी नेचुरल चलेगी, तो उसे जो संतान और उसे जो वृद्धि रहेगी वो प्यूरिटी के पावर से, जिसको कहा जाता है योग बल, अभी है भोग बल, कंट्रास्ट है ना योग बल का और भोग बल का, वो संतान उस पावर से थी इसीलिए संतान ऊंची थी और संतानों में वो बल था ताकत थी और इसीलिए शांति और सुख था, अभी है नहीं क्योंकि अभी भोग बल से विकारों से, इसीलिए बाप कहते हैं अभी इनको कंट्रोल करो, ये विकारी दुनिया की अभिवृद्धि चाहिए नहीं, इसलिए अभी इसको कंट्रोल करो, अभी प्यूरिटी को अपनाओ और अपना करके प्यूरिटी का फाउंडेशन मजबूत करो, अभी इसका हमको मदद चाहिए, तो अभी जो गार्ड हुकुम करे परमात्मा का मानना चाहिए ना, हा? बाप का फादर का हुकुम मानना चाहिए, उसमें ये नहीं है कि ये परमात्मा ये दुनिया कैसे चलेंगी, वो कहते दुनिया मेरी है तेरी है, हा? तुमको क्यों चिंता हो ये दुनिया कैसे चलेंगी, वो मैं जानता हूँ अभी दुनिया को मुझे ट्रांसफर करना है, अभी मुझे ट्रांसफर करने में मदद करो, तो अभी मैं ट्रांसफर करता हूँ बदलता हूँ, यानी बदलता कैसे नया सैपलिंग जोड़ता हूँ, तो अभी उसमें मदद करो, वो है प्यूरिटी का बल, तो अभी वो बल दियो, बाकी ये तो तुम्हारी जो विकार की हा? और इम्प्यूरिटी से दुनिया को चलाया पैदा किया है वो तो अभी देखो दुख की है ना, इसको तो अभी मुझे डिस्ट्रक्शन करना है, तो वो होगा तभी जब तुम्हारा प्यूरिटी का बल रहेगा, इसीलिए बाप कहते बच्चे अभी उसमें मदद करो, अभी ये फिक्र ना करो कि कैसे वृद्धि होंगे, अभी तुम्हारी वृद्धि का टाइम पूरा हुआ, अभी उस वृद्धि को खत्म करके अभी मैं नया सैपलिंग लगाता हूँ, अभी उसी में हेल्प करो, तो नए सैपलिंग में पहले आत्मा प्योर चाहिए ना, तो उसमें प्यूरिटी में आओ, पीछे तुम्हारा जो शरीर प्यूरिटी आत्मा वाली को मिलेगा ना, वो शरीर जो रहेगा पैदा होगा वो शरीर भी पवित्र, अभी तो जो तू पैदा करेंगे ना फिर इम्प्योर शरीर पैदा करेंगे, क्योंकि आत्मा भी इम्प्योर हो और शरीर भी इम्प्योर, तो यहाँ दुनिया में इस दुनिया में हमको वृद्धि अभी नहीं चाहिए, हा? आप तो जो न्यू जनरेशन चालू रहेंगी उसकी, और उसके लिए पहले ये जन्म तो कंप्लीट प्योर हो ना, उसके लिए तो सैपलिंग के लिए अभी तो कंप्लीट प्योर, इसीलिए बाप कहते बच्चे अभी वो चिंता ना करो कि कैसे दुनिया चलेंगी, अभी नई सैपलिंग लगाने का अभी फिक्र रखो और उसके लिए अपने को बी प्योर एंड बी योगी, सीधी बात है, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अभी इसी बात को साफ समझ करके अभी उसकी धारणा हुआ, तो टाइम कौन सा है, तो जैसा जो टाइम होता है वैसा काम करना होता है नहीं, अभी वक्त कौन सा है टाइम कौन सा है उसी टाइम को देकर के काम करो, अभी टाइम सैपलिंग लगाने का तो सैपलिंग लगाओ, अभी टाइम वृद्धि करके करने का नहीं है तो वो काम भी नहीं होगा और खाली पीली तुम्हारा मुफ्त में जो है वेस्ट ऑफ मनी वेस्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट ऑफ टाइम सब वेस्ट जाएगा, जो इसी तरफ अपना ये कर रहे हो, अभी अपना टाइम
और जो भी कुछ है अभी इस चीज में दियो और अपना उसी से अपना न्यू जनरेशन के लिए अपनी प्रालब्ध बनाओ। तो इसीलिए बाप कहते हैं अभी चेंज करो लाइफ को, अभी मेरे में, उसने गीता में भी कहा ना अभी मेरे से तुम अपना संबंध रखे, अब जैसे मैं कहूँ वैसे चलो, अभी मेरे हो करके रहो। तो इसीलिए बाप कहते बच्चे अभी मेरे हो करके रहो, जैसे मैं मत दे उसी पर चलो, उसमें और कोई तुमको डिफिकल्टी नहीं है। ये नहीं कहता तू घर बार छोड़ के आ या अपना सब कुछ छोड़ना, वो तो अपना करना है शरीर निर्वाह का आदि का जो भी काम काज है चलो, बाकी अपनी प्यूरिटी से कैसे करो वो तुमको मैं सिखलाता हूँ, उसको सीख कर करके प्यूरिटी के साथ अपना वो काम करो। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ रहेंगे और उसी श्रेष्ठ कर्म से फिर तुम्हारी कालबद्ध श्रेष्ठ रहेंगे। तो ये है सारी वर्ल्ड की बायोग्राफी, तो कैसे आद होती है फिर कैसे अंत होती है, अभी उसके अनुसार अभी क्या करना चाहिए। इसीलिए बाप कहते हैं सबके बायोग्राफी को समझो, उसके साथ अभी वर्ल्ड की बायोग्राफी का कौन सा टाइम है और मेरा उसमें आ मेरी भी बायोग्राफी क्या, मैं क्या काम करता हूँ, इसी सभी बातों को समझ करके अभी मुझे उसमें मददगार बनो। बनेंगे जैसे गांधी जी को जिन्होंने मदद की ना, हाँ बेचारे देखो कितने जेल खाए, कितनी सजाएं खाई, कितने कष्ट सहन किए, आज देखो अशोका होटल और फलाना फलाना कितने हैं, उनका रिटर्न हो रहा है ना, तो जिन्होंने कुछ किया। इसीलिए बाप कहते हैं मुझे भी जो हेल्प करेंगे तो हाँ मैं फिर अपनी राजधानी जो हेवन बना रहा उसमें फिर तुम बड़े बड़े हैं राजे महाराजे का अपने सुख की स्टेटस प्राप्त करना, तो अभी पूरे रहेंगे मददगार तभी ना। तो उसकी मदद क्या है, उसकी मदद ये है कि प्यूरिटी में उसको तो मदद किया है भूख हड़ताल पिकेटिंग सत्याग्रह आदि आदि में है, अब यहाँ बाप कहते हैं प्यूरिटी की मदद करो, विकारों की हड़ताल करो, विकारों के ऊपर अपना कंट्रोल रखो, इससे अपनी हड़ताल करो, इससे अपना पिकेटिंग करो, इससे अपना जो कुछ है इससे करो। हाँ तो अभी इस विकारों से हम अपना काम नहीं चलाएंगे, तो ये देखो ये अभी हमारी दुश्मन हो गए ना, हा? तो जैसे वो दुश्मनों की सब इस बात से अपने को कंट्रोल रखते थे, तो ये हमारे पांच विकार शत्रु, तो अभी कहते शत्रुओं से अपना अपने को संभालो, अब हम इनसे अपना सहयोग नहीं रखेंगे, अभी इनसे अपना संबंध नहीं रखेंगे, ये हमारे दुश्मन है। तो अभी दुश्मनों से सच्चे दुश्मन तो ये है ना, इन्हीं दुश्मनों से सब दुश्मन बनते। आज दुनिया एक दो का दुश्मन है, किस कारण, ये लोभ है। आज लोभ ना होता तो ये लड़ाई झगड़े काहे के लिए होता, लोभ है ना, ये मेरा ये मुझे आकाश का टुकड़ा ज्यादा चाहिए, मुझे पानी का टुकड़ा चाहिए, मुझे पृथ्वी का टुकड़ा चाहिए, ये टुकड़े टुकड़े बॉर्डर के ऊपर सारा दिन देखो कितने जगह थे, पृथ्वी मेरी वो पृथ्वी मेरी मेरी मेरी, देखो ये टुकड़े टुकड़े के ऊपर देखो लड़ाइयां है ना। तो ये सब क्या है, ये लोभ, ये अहंकार, ये अभिमान, ये सभी बातें, तो ये चीजें पांच विकार न होता तो ये सभी न होता। तो देखो आज ये सब हाल है, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अभी हाँ मैं ऐसा एक आकाश एक पृथ्वी उसके बीच में एक राज, तब तो सुखी रहेंगे ना। टुकड़े टुकड़े करेंगे तो फिर कैसे, एक घर में अगर पार्टीशन सा लगा कर करके, देखो एक घर में चार बच्चे हो बाप को और चार ही बच्चे अपना पार्टीशन लगा कर करके यहाँ अपना अलग अलग करे, तो उस घर में क्या हाल हो जाएगा, सारा दिन झगड़ा ही रहेगा, तेरा बच्चा मेरा बच्चा फलाना फलाना फलाना, सारा दिन झगड़ा हो जाए क्या होगा। इसीलिए बाप कहते घर एक है और तुम ये पार्टीशन का बॉर्डर, सब में बॉर्डर, आकाश में भी बॉर्डर, हाँ पानी के ऊपर भी बॉर्डर, हाँ तुम्हारा जहाज हमारे पानी के अंदर आएगा हम डुबो देंगे, तुम्हारा एरोप्लेन हमारे आकाश में आएगा हम गिरा देंगे, हाँ ये लोग क्या है, हमारा आकाश हमारा आकाश, हमारा पानी हमारा पानी, हमारी पृथ्वी हमारी पृथ्वी, तो सबकी है, हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, एक पृथ्वी एक आकाश, उसमें हमारा रेल मिलकर कर करके होना चाहिए। तो आज दुनिया में देखो कितने फ्रिक्शन है, कितनी जातियाँ और कितनी वैरायटी है, अफ्रीकन काले 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 हैं, चीनी देखो चीने मिने 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 हैं, सब वैरायटी, और वो देखो यूरोपियन गोरे 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 सब है, तो सबकी वैरायटी। इसलिए कहते संसार भी देखो कितनी क्रिएशन है, अब ये वैरायटी इतनी आपस में मिल करके एक होना कितना इम्पॉसिबल है, हा? ये कैसे, ये रंग भेद फलाना, भाषा भेद फला, ये सब मिल करके वो हरे का खान पान आहार या सब अलग अलग पैराश अलग अलग सब बात, वो अब सब मिल करके वो कहते देखो हम तो सब काले काले एक ही हमारा होना चाहिए,
तुम गोरे 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 तुम्हारी है, भगवान ने तुमको खुदा ने अलग रचा है। हा? तो सब देखो वैरायटी वैरायटी, परंतु बाप कहते हैं कि नहीं, ये सब वैरायटी पीछे हुई है, नहीं तो पहले एक ही वैरायटी थी ना, एक राज एक धर्म, ये सब था ही नहीं, ये क्रिश्चियनिटी पीछे रही, ये सब पीछे पीछे आए हैं, ये बुद्धिज्म ये सब। तो बाप इसीलिए कहते हैं अभी फिर इनका मैं एंड करता हूँ, ये आए हैं पीछे, अभी उसकी भी एंड कहूंगी ना, फिर इसीलिए फिर जो आदि सनातनी पहला देवी देवता धर्म था, अब उसकी फिर सैपलिंग लगा रहा, फिर एक धर्म एक राज्य, फिर उसमें संसार सदा सुखी रहेगा, इसके लिए ये तैयारियां। इसीलिए मनुष्य समझते हैं डिस्ट्रक्शन टलेगा ये नहीं टलेगा, ये भावी बनी हुई है, ये कुछ नेचुरल कैलमिटीज से और कुछ इसी एटमिक बॉम्ब आदि इन सब चीजों से और कुछ तो ये सिविल वॉर के जरिए, ये सब बना बना, तब तो इतनी संख्या भी कम पड़े ना, और कोई रास्ता नहीं है संख्या के भी कम पड़ने का। कितने बेचारे बर्ड कंट्रोल, कितने बेचारे तरीके भले क्यों न निकाले, परंतु ये इसी तरीके से कहाँ तक कहो क्या हो सकेगा। इसलिए बाप कहते बच्चे ये सब इसका प्लान मेरे पास है, वो तुम्हारे 5 ईयर प्लान और ये सभी बातें हैं, तो चलते 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 बेचारे जितना माथा कुटी करते करते इतने तक करके आए हैं। परंतु बाप कहते हैं मेरा प्लान क्या है, कहते नहीं बंदे के मन में एक, साहेब के मन में दूसरी है, तो अभी उसी साहेब के मन में क्या है और हम बंदों के मन में, तो वो अपना अपना 5 ईयर लगा, तो अभी साहेब का मन का काम चलेगा या बंदों का है, अभी साहेब का, वो साहेब के मन में क्या है और बंदों के मन में क्या है, तो बंदे के मन में एक है साहेब के मन में दूसरी है, तो वो किस तरह से एक प्लानिंग को वर्ल्ड की प्लान को चेंज कर करके उसको वो क्या वर्ल्ड बनाने चाहता है और हमारे पास पूर्ण सुख शांति कैसे आएगा, अभी उसी प्लान का एक्ट चलेगा, तो गॉड की एक्ट, तो वो कैसे चलेंगी और उससे हम सदा सुखी कैसे बनेंगे वो बैठ करके समझा रहे हैं। अभी उसका प्लान को काम होना ही है, उस भावी को कोई टाल नहीं सकती, उसके लिए गॉड भी कहते हैं मैं भी क्या कर सकूंगा, वो है इन हो रही है, लेकिन उसके लिए अभी तुमको क्या करना है वो करो, वो क्या करना है उसी का तो मिल रहे डायरेक्शन, अभी उसी डायरेक्शन को अमल में लाना है कि बी प्योर एंड बी योगी, तुम्हारे लिए ये तुम हो जाओ बस, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूंगा, फिर तुम्हारी दुनिया सुखी बनेगी, तू सुख लेना उसमें क्या है, सुखी चाहते हो ना, शांति चाहते हो ना, बस उसी तरीके मिलेंगी। इसका और कोई उपाय, अगर कोई किसी को और प्लान आवे तो बताए, गॉड को भी राय देवे कि ऐसा ना करो, हाँ उसके लिए कोई और विचार हो कि इसी तरीके से, हाँ गॉड अथॉरिटी है तो अथॉरिटी इसी तरीके न करे ऐसा करे, कोई बताओ क्या हो सकता है। इसीलिए बाप कहते हैं कि नहीं बच्चे मैं जानता हूँ, इसीलिए मेरे लिए कहा जब जब अधर्म होता है तब तब मैं आता हूँ, अधर्म विनाश और धर्म स्थापना का कार्य मेरे पर सौंपा हुआ है सदा के लिए, मैंने कार्य जब जब होता है तब मैं आता हूँ, तो ये कार्य मेरा ही है, इस कार्य को और कोई कर नहीं सकता, ये कार्य मेरे से होना है और उसी के लिए ही मेरी महिमा है। मुझे याद करते अभी तेरा काम आया आ गया है, हम तो सब कर करके थक गए, सब बेचारे कर कर करके देखो जितना बेचारे बनाने की करे उतना और ही बिगड़ती जाती है और ही बिगड़ती जाती है, और इसलिए कहते हम तो थक गए अभी तू आ, अब तेरा बल काम करेगा हमारा नहीं करेगा। इसलिए बाप कहते अभी आया हुआ हूँ, अब धीरे धरो आ चुका हूँ, कल तो अभी मुझे भी मदद करो ना, मुझे मदद क्या मतलब है, करते हो अपने लिए, कोई मुझे मेरा थोड़ी बिगड़ा है घर, हाँ बिगड़ा भी तेरा घर है, मैं भी तेरे घर को बनाने लिए आया हूँ, मेरा घर तो बड़ा साइलेंस वर्ल्ड है, वहाँ तो कोई बिगाड़े की बात ही नहीं, बिगड़ा है तेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मैं भी आया हूँ तेरे घर को सुधारने के लिए, तो तू अपने घर सुधारने की मदद नहीं करेंगे मुझे, अपने सुधार के लिए है, तो अपने सुधार के लिए अथवा अपने सुख शांति पाने के लिए, ये खुद के लिए है, नहीं कोई हम परमात्मा के ऊपर थोड़ी मेहरबानी करते हैं, उसके लिए तो नहीं है ना, करते हैं तो अपने लिए करते हैं, तो अपने लिए करने के लिए तो पूरा पुरुषार्थ रखना ही चाहिए। तो ये है सब चीजों को समझना और समझ कर करके बाप से अपना पूरा अधिकार लेना। अच्छा अभी टाइम हुआ है, हा? जैसे ये टाइम भी देखा जाता है ना, भाई टाइम हुआ है तो अभी बेहद का भी टाइम पूरा हुआ है, उस घड़ी को भी देखते रहो कि अब घड़ी में कितना बजा है, देखो घड़ी में कितना बजा, यह घड़ी लगाइए नहीं ये इसमें कांटा लगाया है कि घड़ी का अभी टाइम बड़ा कलयुग का बाकी थोड़ा है, अभी गोल्डन एज आने, अब घड़ी में बहुत थोड़ा टाइम है, ये लॉस्ट जन्म है बेहद घड़ी का, इसलिए इसमें काम करना है।
तो ये अभी सोच के अपना पुरुषार्थ रखो। तो वो बेहद की घड़ी, जैसे ये घड़ी देखते हो वैसे वो बुद्धि से वो भी देखते रहो कि अभी कितना बजा है, अब टाइम निकट है।